बोला कि अरे भाई भाई डिड यू ज्वाइन द इस्कॉन। मैं कही बिकॉज आई वांट टू लर्न समथिंग। मैं कही आई एम द ब्राह्मण फैमिली। मैंने बोला मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। बोला डोंट टेल यू आर द ब्राह्मण। 3 साल तक अपने परिवार को यही बताता रहा कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ। और घर वालों ने बोला कि अभी कहाँ हो तुम, क्या करते हो? तो मैंने ये बोला कि मैं अभी बॉम्बे में हूँ, अच्छी जॉब चल रही है। मैं वृंदावन में था, बल्कि मैं वृंदावन में से रहता था और यहीं पे सेवा कर रहा था। लेकिन 3 साल के बाद जब पता चला कि हमारा बेटा तो वृंदावन में है और वो बिल्कुल। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। मैं आपको बता दूं, जब भी हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं एक भक्ति की याद आती है और एक रियलिटी हैप्पीनेस की याद आ जाती है। जब वे लोग मथुरा में लोग या वृंदावन में लोग जब आते हैं तो जो हमारी जो वास्तविकता की जो सुख है, सुख की प्राप्ति है, वो मथुरा की मिट्टी में मिलती है, वृंदावन की मिट्टी में मिलती है। और ऐसे ही हमारे साथ में एक प्रभु हैं, ये IAS PCS की तैयारी करने के बाद में यहाँ पर आए हैं और इनसे बात करेंगे कि आप भक्ति में कैसे आप आए और क्या सोच करके आए। इन्होंने सब कुछ ठुकरा करके एक जो इस्कॉन टेम्पल में ये जो भक्त बन गए हैं, तो इनसे पूरी वार्तालाप की जाएगी। तो प्रभु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हरे कृष्णा। तो आप मुझे इतना बताएं। हरे कृष्णा। विकास प्रभु जी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्योंकि आप जो बात पूछ रहे हैं ये संदेश सबको जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये संदेश ऐसा है कि जो आज पूरे भारत में बहुत सारे हजारों मंदिर, मठ और बहुत सारे हमारे संत बहुत सारे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी जो प्रचार किए हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो एक मैसेज दे रहे हैं, ऐसा मैसेज, बहुत सुंदर मैसेज दिया है उन्होंने। क्या मैसेज दिया है कि हमें अपने जीवन को, चाहे गृहस्थ जीवन में रहें, चाहे वैवाहिक जीवन में रहें, चाहे ब्रह्मचारी जीवन में रहें, तीनों जीवन में कैसे रहा जाता है, उन्होंने बहुत सुंदर से उसका वर्णन किया है। ये नहीं कहा कि गृहस्थ जीवन को छोड़कर आप ब्रह्मचारी बन जाओ। कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसी आपकी पढ़ाई हुई है, जो बचपन में जो पढ़ा लिखी हुई है, किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं आप? हरे कृष्णा जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बचपन में वो मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। शिवपुरी जिला नियर ग्वालियर है और ग्वालियर में मेरी एजुकेशन हुई है सारी, और ग्वालियर से मेरा 11th, 12th और BCom और MA हुआ है। इसके बाद मैं वृंदावन आया, वहाँ तैयारी भी किया कई साल। विक्टोरिया कॉलेज जो अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े, मैंने बताया था आपको, उसी कॉलेज से पढ़ाई किया। MP PCS की भी तैयारी कर रहा था, लेकिन सारी तैयारी करने के आज मेरे जितने भी मित्र हैं, सारे मित्र वो अच्छे जज हैं, कोई PCS हैं, अलग अलग सिविल सर्विसेज में हैं, लेकिन मैं सबसे मिलता हूँ तो वो आखिरी मुझे यही कॉल करते हैं और यही कहते हैं कि सही जीवन जो जी रहे हैं वो आप ही जी रहे हैं वृंदावन धाम में, क्योंकि हम तो ये भौतिक संसार मटेरियल चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, जहाँ ये सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन वास्तव में मैं बता दूँ कि कितना भी धन कमा लो, कितनी फैक्ट्री और बिल्डिंग बना लो, उसमें सुख नहीं है। सुख है तो केवल वृंदावन धाम में आके। और सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, जिस प्रकार हम इधर आए थे तो हमें पैंट शर्ट में आया था, तो मुझसे बोले कि आप ब्राह्मण हैं, तो बोला आज ब्राह्मण बोला, तो बोला अब मत बोलना। मैंने क्यों, ब्राह्मण क्यों नहीं बोल सकता? बोला था ये मुझसे एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे और एक हमारे विदेशी भक्त थे, तो विदेशी भक्त से मैंने पूछा कि आई वांट टू ज्वाइन द इस्कॉन। तो उन्होंने बोला कि अरे भाई भाई डिड यू ज्वाइन द इस्कॉन। मैं कही बिकॉज आई वांट टू लर्न समथिंग। मैं कही आई एम द ब्राह्मण फैमिली। मैंने बोला मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। बोले डोंट टेल यू आर द ब्राह्मण। बोले अब मत बोलना कि ब्राह्मण में क्यों। बोले आप पैंट शर्ट में खड़े हुए हो और अपने आप को ब्राह्मण बोलते हो। ब्राह्मण मीन्स तिलक, कंठी और आपका धोती एंड कुर्ता, जपा बैग एंड एवरीथिंग। जब आप ब्राह्मण मान, ब्राह्मण के गुण जगाइए, ब्राह्मण की क्वालिटी को जगाइए, ब्राह्मण की मानसिकता को जगाइए, ब्राह्मण के गुण लेके आइए, तब ब्राह्मण बोलना है। प्रभु जी, आप मुझे इतना और बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और पहले आप क्या करते थे और उससे क्या इनकम प्राप्त करते थे और अब क्या करते हैं? हरे कृष्णा। तो अगर ऐसा देखा जाए तो मैं ग्वालियर में भी, मेरे माता पिता ने मुझे आदेश दिया कि देखो आप पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ाना भी चाहिए, तो मैं बचपन से ही मेरा हॉबी रहा है। मैं ग्वालियर में भी और अपने मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला में भी मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में भी पढ़ा चुका हूँ और ग्वालियर में भी मैं ट्यूशन पढ़ाता था, जिसमें 150 बच्चे आते थे मेरे पास। वहाँ ही मेरी कोचिंग बहुत फेमस थी। पता नहीं, शुरू से ही मैं लकी रहा, किसी भी लाइन में गया, लेकिन बहुत ही मतलब मैं था, बहुत यंग दिखता था उस समय, लेकिन मेरी कोचिंग में 11th, 12th के बच्चे टॉप कर गए ग्वालियर के कई स्कूल। तो इससे बहुत सारे बच्चे आए और बहुत अच्छी भीड़ हुई। और साथ साथ में मेरे परिवार में मेरा एक बेटी और एक बेटा है, और बेटा भगवान ने वृंदावन धाम में उसका जन्म हुआ और इतना सुंदर कि वो अभी 2000 श्लोक याद किया है। अच्छा, 2000 श्लोक याद किया है और उसको 8 ग्रंथ याद कराए, अलग अलग ग्रंथों से सिलेक्टेड श्लोका याद कराएं। गीता पूरी संपूर्ण याद कराई है। ये गीता जो आप देख रहे हैं, इसे पूरी संपूर्ण याद कराइए, 700 श्लोक और ऐसे अलग अलग ग्रंथ भी याद कराए हैं और उसको भी कई देश विदेश में लोग बुला रहे हैं। तो अभी उसका हमने पासपोर्ट नहीं बनाया, अगर पासपोर्ट बन जाएगा तो उसको कई देशों में बुला रहे हैं और हम जरूर जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, प्रभुपाद जी का प्रचार करना है। तो बोले जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो प्रभुपाद जी का आदेश है कि आपको प्रचार करना चाहिए। तो हमारा बहुत अच्छा स्वभाव में बहुत खुशी मानता हूँ कि सभी वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से कि ऐसा हमारे परिवार में मेरी फैमिली, पत्नी, बच्चे सब भक्ति मार्ग में आ गए। नहीं लोग तो चाय नहीं छोड़ पाते, यहाँ तो चाय नहीं दिए, चार नियम होते हैं यहाँ पर, चाय नहीं पी सकते, टीवी नहीं होना चाहिए, जुआ नहीं खेलना है, मांस नहीं खाना। तो मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ तो मांस मदरा और ये तो हमारे यहाँ नहीं होता था। तो यहाँ आके इस्कॉन में आया तो आज तक चाय, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, चाहे मेरा 8 साल का बच्चा है, चाहे मेरी पत्नी है, चाहे मेरे कोई भी है, कोई इस 4 नियम का पालन करते हैं। और इस्कॉन में आके रियल बताया कि जी हमारे नियम होते हैं, ये नियम मानते नहीं है, अपने मन से नियम बनाते। अच्छा प्रभु जी, जब भी हम किसी एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं, चाहे वो भक्ति का भाव हो, चाहे किसी और का भाव हो, चाहे किसी नया बिजनेस हो हमारा, जब आप आए तो आपके घर वालों ने कुछ डिसीजन आपसे लिया कि आपने पूछा कि आपने डायरेक्ट यहाँ पर आ पाए? हाँ तो एक्चुअली मैं जब पढ़ा रहा था, अचानक अप्रैल का महीना था, गर्मियों में जब स्कूल के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो मैं अपनी कोचिंग, बच्चे छुट्टी हो जाती है 1-2 महीने की, तो मैं निकल आया। उसी महीने वृंदावन में आया तो वास्तव में यहाँ आके मैं देखा, घर वालों ने कोई, और घर वालों ने बोला कि अभी कहाँ हो तुम, क्या करते हो? तो मैंने ये बोला कि मैं अभी बॉम्बे में हूँ, अच्छी जॉब चल रही है। मैं वृंदावन में था, बल्कि मैं वृंदावन में से रहता था और यहीं पे सेवा कर रहा था। और मैंने 3 साल तक अपने परिवार को यही बताता रहा कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, बॉम्बे में हूँ, और मेरे परिवार और बच्चे, मेरी वाइफ मेरे साथ ही आ गई थी, एक बेटी थी 3 महीने की, उसको लेके आया था। और मैंने यही बोला कि मैं बॉम्बे में हूँ और अच्छी जॉब करता हूँ, आप चिंता ना करें, बहुत खुश हूँ। और आप लेकिन 3 साल के बाद जब पता चला कि हमारा बेटा तो वृंदावन में है और वो बिल्कुल चेंज ही हो गया है, धोती कुर्ते और सब में हो चुका है, तो मेरे परिवार के लोग भी देख के मुझे बहुत खुश हो गए, मेरे फादर इन लॉ ससुर भी बहुत खुश हुए। अच्छा, क्योंकि हमने देखा आजकल 2 ही चीज़ पर अट्रैक्शन होता है लोगों को, कि इंग्लिश बोलना ये सब होता है ना। स्टार्टिंग में जब मैं आया तो लोग इंग्लिश बोलना, यहाँ इंग्लिश ही बोलना बोल रहे हैं उनके सामने, और साथ में गीता, भागवतम सब देखा तो पूरा बदल गया। बिना सोचा कि कहीं जाए कोई दास बन गया है, लेकिन यहाँ देखा तो वास्तव में कर रहे हैं। तो आज पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, मेरे ससुर सब खुश हैं और कहते हैं कि नहीं आप जो कर रहे हैं जीवन, सारे रिश्तेदार, मिलने वाले, फ्रेंड, दोस्त, गांव वाले या ज़िले वाले या कॉलेज वाले जो ही मिलते हैं, सब यही कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं ये हर किसी को प्राप्त होना संभव नहीं है। तो ये किसी की कृपा हुई, हनुमान जी की, वैष्णवों की, माता पिता की, आप सब लोगों की, जिससे आज यहाँ तक हम भजन एक नगरी में, धाम में पड़े हुए हैं। और यही इच्छा है कि मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भक्तात् भक्तिर अहित की तरी, मेरी ये जन्म जन्मांतर एक ही इच्छा है कि बस धाम में पड़े रहें और भजन करते रहें। हरे कृष्ण। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी जो प्रचार किए हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, जो एक मैसेज दे रहे हैं, ऐसा मैसेज, बहुत सुंदर मैसेज दिया है उन्होंने। क्या मैसेज दिया है कि हमें अपने जीवन को, चाहे गृहस्थ जीवन में रहें, चाहे वैवाहिक जीवन में रहें, चाहे ब्रह्मचारी जीवन में रहें, तीनों जीवन में कैसे रहा जाता है, उन्होंने बहुत सुंदर से उसका वर्णन किया है। ये नहीं कहा कि गृहस्थ जीवन को छोड़कर आप ब्रह्मचारी बन जाओ, या तो आपके अगर अंदर क्षमता है, आप अच्छे, आपके आचार विचार हैं, तो आप चाहे गृहस्थ में रहें, चाहे आप वानप्रस्थ में रहें या सन्यासी में रहें, आप रह सकते हैं। रहने के तरीके बताए गए हैं कि आपको इस संसार में आसक्ति नहीं रखना है, जितनी भी आसक्ति, क्योंकि मन तो हमारा नहीं मानेगा, चंचलम ही मना कृष्णा, भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि ये मन तो बड़ा चंचल है। तो इस मन को कहाँ लगाना है? इस मन को हमको लगाना है भगवान की भक्ति में लगाना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक खाली भारत नहीं, कम से कम 108 कंट्री से ऊपर, 108 देशों से ऊपर ये हमारे कृष्णा कॉन्फ्रेंस प्रभुपाद जी स्थापित कर चुके थे उस समय। और आज तो जितने देश हैं उतने देशों में हरे, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी हरे कृष्णा महामंत्र गूंज रहा है, वहाँ भी मंदिर हैं। और अलग अलग देशों में, चाहे वो दुबई हो, कीनिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, ऐसे बहुत सारे, यूके हो, बहुत सारे देशों में हरे कृष्णा चल रहा है। और देश विदेश के लोग जो हिप्पी थे उनको प्रभुपाद जी ने हैप्पी बनाया और उसको प्रचार सिखाया। और वो ढूंढ रहे थे, विदेशी लोग ढूंढ रहे थे कि वास्तविक सुख कहाँ है, वास्तविक आनंद कहाँ है। तो प्रभुपाद जी जब विदेश गए और विदेश में जाके अंग्रेजों को बताया कि देखो असली सुख तो इसमें छुपा हुआ है, भगवान की गीता में, भगवद्गीता में, इसमें लिखा हुआ है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक बताता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मन से सारे धर्मों को छोड़कर हमें एक ही धर्म में लगना। हमारा एक ही कर्म क्या है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, अहम मैं त्वाम तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो ऐसे हमें ऐसे श्री कृष्ण भगवान की ये गीता को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी है ये गीता नहीं है, ये सारे 18 प्राण का सार है। क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी ने गीता के साथ साथ गीता में जो श्लोक कृष्ण भगवान ने बोले वो तो है ही है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे जितने आचार हुए आज तक, जितने टीकाएं हुई, चाहे पूरे हमारे ब्रह्मा जी से लेके कृष्ण से लेके ब्रह्मा जी से पूरी परंपरा से आते हुए वहाँ तक प्रभुपाद जी आते हैं, सारी परंपराओं के जितने आचार हुए सब के सारे कोट और सारे आचार्यों की टीकाओं को लिखा है। इस टीका और गीता को और इनके शास्त्रों को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि जीवन में और आपको एक ही लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। तो क्या होगा कि आपको कैसे भक्ति प्राप्त करना है, कैसे कृष्ण को प्राप्त करना है, क्योंकि एक एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं प्रभुपाद जी के, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखा दिया। और आज हमारे मंदिर में 50 देशों से लोग रहते हैं और भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और अपने अपने जीवन को बदल दिया है। तो हमें भी अपने जीवन को बदलना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा, जब भी हम किसी एक दूसरी कॉन्टेक्ट में आते हैं, चाहे वो भक्ति का भाव हो, चाहे किसी और का भाव हो, चाहे किसी नया बिजनेस हो हमारा, जब आप आए तो आपके घर वालों ने कुछ डिसीजन आपसे लिया, तब मुझे वास्तव में पता चला। और यहाँ पे हमारे एक सीनियर भक्त हैं राधा कांतु जी, वो भागवतम क्लास भी दे रहे थे उस दिन, और केसी दमनपुर का भी एक क्लास अटेंड किया था मैं, तो उसमें उनने फिर मुझे बताया कि आप वास्तव में यहाँ भक्ति लाइन में आना चाहते हैं, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे शेल्टर दी और मैं यहाँ रहा, और इसमें रहने के बाद मैंने देखा तो वास्तव में यहाँ पे 3:30 बजे भक्त उठ जाते हैं और 4:10 पे पहली मंगला आरती, फिर 4:30 पे मंगला आरती दूसरी होती है, और यहाँ पे डेली 25,000 हरिनाम सब भक्त लेते हैं और 64 माला और 1-1 लाख जप करते हैं बहुत सारे भक्त। तो यहाँ के पता चला कि वास्तव में भक्ति और जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर यहाँ नहीं आते तो हमें पता नहीं था हम कहाँ जाते। कोई ऐसा है MPPCS कर लेते, मैं भी MPPCS की तैयारी कर रहा था ग्वालियर में, और वहाँ पर तैयारी करने के बाद मुझे अचानक मैं वृंदावन आ गया। और मेरे मित्र भी हैं जो आज क्लासमेट हैं, जो जज वगैरह भी हैं, और मेरे स्टूडेंट भी हैं जो SI वगैरह हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में है, मैंने जो पढ़ाया उधर भी, मैंने 10 साल मध्य प्रदेश में पढ़ाया भी है। तो कहने का मतलब है कि जो मैंने देखा रियल हैप्पीनेस, तो रियल हैप्पीनेस जो वास्तव में जो वास्तविक सुख है वो कृष्ण भक्ति में और प्रभुपाद जी जैसी संस्था में, जो इस्कॉन में आकर जो अगर आप चाहते हैं इसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको सही जीवन का उद्देश्य पता चलेगा, नहीं तो आप अपना जीवन व्यर्थ निरर्थक कर लेंगे। और यही इच्छा है कि मम जन्मनि जन्मनि सुरे भक्तात् भक्तिर अहित की तरी, मेरी ये जन्म जन्मांतर एक ही इच्छा है कि बस धाम में पड़े रहें और भजन करते हैं। हरे जी, वो भक्त जी ने जो भी बात कही है कि 3 साल घर वालों से बिना पूछ करके ये वृंदावन आ गए थे, और 3 साल बाद जब इनको घर वालों को पता चला तो इनका कुछ अलग ही स्वभाव था, अलग ही वेशभूषा थी, जिसे देख करके इनके ससुर जी भी खुश हुए, घर वाले भी बहुत खुश हुए। कैमरामैन के साथ मैं अशोक कुमार, धन्यवाद।